राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी के किनारे चकवा अव्वल स्थित अमरुदतानी बगिया में मिनी डिस्टिलरी का रूप ले चुके कच्ची शराब के अड्डों पर एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस, आबकारी विभाग और राजस्व की टीम ने छापेमारी करते हुए दर्जनों भट्टियों को नष्ट कर दिया और कई हजार कुंतल लहन और हजारों लीटर अर्धनिर्मित अवैध शराब को तथा उसके बनाने वाले उपकरण को भी नष्ट कर दिया। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में एक बार क्षेत्र का भ्रमण किया जाए और अगर अवैध शराब बनाते कोई मिले तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इस दौरान दो शराब कारोबारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छापेमारी में सीओ कोतवाली बीपी सिंह, इंस्पेक्टर राजघाट अनिल उपाध्याय, आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी, हृदय राम चौधरी, राजस्व निरीक्षक नगर उमाशंकर तिवारी, लेखपाल मोहम्मद जावेद खान, जगदीश प्रसाद, हरिप्रकाश श्रीवास्तव, प्रदुमन सिंह, आबकारी विभाग के रामविलिश साकेत राम, शिवेंद्र तिवारी, विकास कुमार रचना सोनी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार ने बताया। लाइव लोकेशन आपको भेज रहा हूं, छोड़िए मत उसको, भट्टी पर रख दीजिए। हाँ, इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए? वो सर हट जाएगा, हट जाए। हम लोग खाने वाले चले, वो हम लोग संभाल, और वो चीजें बना के रखे हैं। कुदाल फुदाल बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक ठीक पता लग गया। हम कह रहे हैं सर से, कहना फोटो दे दीजिए, किसी से 5 किलोमीटर हमें दौड़ा है। कुछ मिली शराब भी मिली कि नहीं? शराब तो काफी यह है, 400-500 रुपए में दे के मजदूर से काम कराते हैं। हल्का है एक जगह जहाँ सबसे पहले हम उतरे थे, सबसे पहले ये यहाँ तो एक बोतल में कई ठोक आने पर जो पूरा मुड़ा है रास्ता वो तो बना हुआ था। दो लोग जानते हैं ऐसे पहले बोल रहे हैं, ये सब कैसे नष्ट होगा? ये सब पूरा आओ छेदो, आओ छेदो, आओ छेदो, आओ नहीं, सब शराब नहीं है, ये सब पानी तेल से मिट्टी तेल ना उसी से लगना बहुत है। दो बर्तन ही तोड़ रहे हो सर, कैसे टूटेगा? अभी ऐसे नहीं है सरिया।
नहीं जो जैसे कुशी नगर वगैरह में जो गलत हुई ट्रैक्टर में वो चलता जो स्पीड चलती है। आज चकला दोयम गांव के पास नदी के किनारे कई अवैध शराब के अड्डे, उनको वहां पे शराब अवैध जो थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया और दो लोगों को पकड़ा गया, तो उनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे अवैध शराब के विरुद्ध जो भी अभियान है वो डीएम साहब के निर्देशों के अनुसार चलता रहेगा। तो क्या सूचना मिली थी कि काफी दिनों से शराब बनाया गया? हाँ, अभी हाल में यहाँ पे राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की टीम का भ्रमण हुआ था, तो सूचना मिली थी, उसी के अनुसार ये काम किया गया।